फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं करूंगा मोटो E4 की फुल रिव्यू। तो सबसे पहले इसको मैं आपको इसकी स्पेक्स दिखा देता हूँ, जो कि इसकी बॉक्स पे लिखी हुई है। 5 इंच HD डिस्प्ले, जो कि अच्छी बात है बहुत। 2 GB 16 GB है, वो भी बहुत अच्छी बात है। कैमरा भी जो है देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, 8 MP बैक और 5 फ्रंट। और क्वाड कोर प्रोसेसर है, और 2808 की MAH बैटरी है। देन जो है फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। अब बात करते हैं हम सेट की। सबसे पहले तो मैं इसके लुक्स की बात करता हूँ। लुक काफ़ी अच्छा है और मेटल बॉडी है, और काफ़ी जो है हाथ में आते ही प्रीमियम लुक देता है। तो इसके लिए तो मोटोरोला को जो है बनता है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी काम किया इस पर, इसके बिल्ड पे। और इन्होंने जो है अपने हाई एंड जो इनके फ़ोन है वैसा लुक दिया है इसको, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इस लुक में जो है इन्होंने जो सर्कल दिया है कैमरे का, ये जो है मुझे परेशान करता है, क्योंकि ये शायद प्लास्टिक यूज़ किया, तो इस पर काफ़ी स्क्रैच पड़ सकते हैं। खैर, वो आप जो है इस पर कवर भी ला सकते हैं। तो अब बात करता हूँ मैं इसकी स्क्रीन पे। स्क्रीन जो है इसकी 720 पिक्सल है, और 5 इंच स्क्रीन है, तो काफ़ी अच्छी है। और मुझे काफ़ी जो है सनलाइट में भी काफ़ी अच्छा व्यू एंगल प्रोवाइड करती है। देख सकते हैं आप, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, तो किसी भी एंगल से ये आराम से जो है विजिबल है। किसी भी एंगल से ऐसा नहीं है कि इसकी विजिबिलिटी जा रही है। तो मैंने अभी, मेरे पास अभी नोकिया 5 था, तो उसकी स्क्रीन अगर आप इसे कंपेयर करें तो इसकी स्क्रीन जो है मुझे अच्छी लगी है। तो अब हम बात करते हैं कैमरे की। कैमरा मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और मैं एक रैंडमली से पिक्चर ले लेता हूँ HDR ऑफ करके। तो लेट्स गो। और अब मैं अब HDR ऑन कर लेता हूँ। HDR ऑन करके पिक्चर ले लेता हूँ। तो 8 MP का कैमरा है, f2.2 अपर्चर के साथ, जो कि आपको लो लाइट में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ये जो है HDR पे है। HDR पे मैं हल्का सा जूम कर रहा हूँ तो पिक्चर अभी से फट गए हैं। तो बैक कैमरा जो है वो आर्टिफिशियल लाइटिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और आप जो है सनलाइट में इसकी पिक्चर ले सकते हैं आउटडोर में। और ये फ़ोटो जो है वो HDR के बगैर है। HDR के बगैर वाली फ़ोटो भी काफ़ी बुरी आई है, देख सकते हैं हम। यहाँ पर काफ़ी जो है नॉइज़ है। तो 8 MP कैमरा है, लेकिन ये परफॉर्मेंस 8 MP जैसे नहीं कर रहा है। ये मुझे बैक जो है काफ़ी बेकार कैमरा लगा बैक का। लेकिन जहाँ तक फ्रंट कैमरे की बात रही, फ्रंट कैमरा इसका अच्छा है काफ़ी। अगर मैं फ्रंट कैमरे की आपको 2-3 सैंपल दिखाऊँ, तो देख सकते हैं एक सैंपल ये है। तो जितना भी मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पर पिक्सल फट नहीं रहे हैं, ये अच्छी बात है। और अगर मैं बीटी मोड में, मैंने भी एक पिक्चर खींची थी, ये देखें, तो यहाँ पर भी जो है मैं जितना जूम करूँगा पिक्सल फटेंगे नहीं। तो बैक कैमरा काफ़ी अच्छा है, और फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा है, लेकिन बैक कैमरा इतना अच्छा नहीं है। और अब हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो इसके अंदर 2 GB रैम है और 16 GB बिल्ट इन मेमोरी है, और इसके अंदर मीडियाटेक का क्वाड कोर प्रोसेसर है, जो कि MT6737, जो कि ज़्यादातर क्यू मोबाइल वगैरह भी यही चिप सेट यूज़ करता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यू मोबाइल और मोटोरोला में फ़र्क क्या रही है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है, आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, आप जो है कैंडी कैमरा, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, ये सब यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ आप गेमिंग पे आओगे, गेमिंग में जो है इशू करता है, और अगर हाई एंड गेम चला ले तो बिल्कुल ही जो है ये सेट आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, और ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी मसला होता है इसके अंदर। तो आप अगर ये सेट ले रहे हो तो आप जो है इसके अंदर सिर्फ बेसिक गेम खेल सकते हो, जो कि सबवे वगैरह हैं, ये सब सही चलेंगे इसके अंदर। लेकिन जो हाई एंड गेम है वो इसमें नहीं चल पाएंगे सही से। और अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसके अंदर है 2800 की बैटरी है, तो काफ़ी अच्छी बैटरी है। और इसके साथ जो चार्जर है मैं दिखा देता हूँ आपको, उसमें जो है चार्जर यहाँ पर है सिर्फ 1 एम्पेयर का चार्जर, और एड में दिखाया गया है रैपिड चार्जिंग। तो कहाँ का रैपिड चार्जिंग है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो है कम से कम ढाई ढाई घंटे लगाता है चार्ज करने, ढाई कभी कभी 3 घंटे भी लगा सकता है चार्ज करने में। लेकिन बैटरी काफ़ी अच्छी चलती है, ये अच्छी बात है एक कि मतलब मेरा यूजेज जो है इस पर काफ़ी होता है, लेकिन ये 1 से 1.5 दिन मुझे आराम से प्रोवाइड कर देती है। तो बैटरी काफ़ी अच्छी है सेट की, और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, ये अच्छी बात है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगाया तो फ़ौरन इसने जो है ओपन कर लिया, जबकि इतना फास्ट नहीं है इतना आजकल मार्केट में चल रहा है। लेकिन फिर भी इस रेंज में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, तो मोटोरोला की अच्छी बात है कि इन्होंने इस रेंज भी फिंगरप्रिंट सेंसर इंक्लूड कर दिया है, जो कि काफ़ी आजकल ज़रूरी है फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये थे मेरे मोटोरोला E4 के रिव्यू, जो कि मैं आप इसको जो है इसको प्राइस रेंज के हिसाब से मैं कहूँगा कि आपको सेट लेना चाहिए। अगर आप बैक कैमरे से इतनी पिक्चर नहीं खींचते हैं तो आप जाएँ लें इसको। और बाकी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसका जो सर्कल है, और बाकी गेमिंग का थोड़ा इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है इस मोबाइल में। आप ले सकते हैं इसको अगर आप अच्छी बिल्ड क्वालिटी लेना चाहते हैं, अच्छी बैटरी लेना चाहते हैं, और अच्छा सेल्फी कैमरा लेना चाहते हैं, और मच मच मोर फिंगरप्रिंट सेंसर लेना चाहते हैं, और मोटोरोला, और सबसे बड़ा जो नाम है मोटोरोला का जो है ब्रांड का सेट लेना चाहते हैं, तो ले लीजिए जाके। तो ये थे आज के रिव्यू।
अगर आपको पसंद आए मोटो लाइफ 4K रिव्यू तो प्लीज़ मेरे ये वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।